ये वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही थी। इस वीडियो में एक बुजुर्ग आदमी लैम्बोर्गिनी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनसे बाहर आया ही नहीं जाता। ये बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं और खुद पर हंसने लगते हैं। इस वीडियो के अगर हम कमेंट्स पढ़े तो लोगों ने लिखा है, लाफिंग बट डीप इनसाइड ही इज क्राइंग सो हार्ड, यानी बाहर से तो ये हंस रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत रो रहे हैं, क्योंकि इस एज में इस कार का क्या फायदा। इसे ऑथर एमजे डी मार्को गेटिंग रिच स्लो कहते हैं। अगर आपका भी यही प्लान है तो इमेजिन करो कि आप पूरी जिंदगी पैसे सेव करते रहते हो और बुढ़ापे में इतने पैसे जमा हो जाते हैं और आप अपने सपनों की कार लैम्बोर्गिनी या फरारी खरीदते हो, लेकिन इस एज में थोड़ी सी भी चोट लग गई तो हड्डियां टूट सकती हैं। और रियलिटी यह है कि इस एज में कहीं भी जाने का मन ही नहीं करता। हमें से मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों की लाइफ कुछ ऐसी ही है, सुबह 6 बजे उठो, बच्चों को तैयार करो, स्कूल छोड़ो, खुद तैयार हो, ऑफिस जाओ, बॉस की गालियां सुनो, थक के घर वापस आओ, खाना खाओ, सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो, बच्चों को तैयार करो, स्कूल छोड़ो, खुद तैयार हो, ऑफिस जाओ, सो जाओ। पर सवाल ये है कि जो लोग इतनी यंग एज में अमीर बनते हैं वो कर क्या रहे हैं। एलेक्स का एक जिम था जहां पर बहुत ही कम लोग आते थे, लेकिन उसने देखा कि उसके जिम से कुछ दूर एक उसके फ्रेंड का जिम है जो पूरा का पूरा भरा रहता है। एलेक्स को लगा कि यार ये तो कुछ मुझसे डिफरेंट कर ही रहा है, वरना इसका जिम तो एग्जैक्टली मेरी ही तरह है और मैं भी उतना ही अच्छा ट्रेनर हूँ जितना ये है। एलेक्स ने देखा कि उसका फ्रेंड फ्लायर्स को यूज करके एडवर्टाइजिंग कर रहा है, जिससे होता ये था कि लोग उस कागज में एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते थे और इसके फ्रेंड के जिम को ज्वाइन कर लेते थे। एलेक्स ने सोचा कि वो भी स्ट्रैटेजी को कॉपी करेगा। उसने अगले ही दिन अपने जिम की एडवर्टाइजमेंट के लिए 300 फ्लायर्स छपवा लिए और उन्हें लोगों को देने लग गया और कई लोगों की गाड़ियों के ऊपर चिपका दिया। अगले दिन वो वेट कर रहा था कि कितने लोग उसका जिम ज्वाइन करने आएंगे। आप बताइए कि कितने लोग आए होंगे उसका जिम ज्वाइन करने के लिए। उसके जिम में 0 लोग आए, यस 0। एलेक्स खुद परेशान हो गया और वो अपने फ्रेंड के पास ही चला गया और कहा कि तू जिस तरीके से एग्जैक्टली मार्केट करता है मैं भी तो वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जिम में कोई भी नहीं आया। इस पर उसके फ्रेंड ने उससे पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है, तूने कितने फ्लायर्स बांटे अभी तक। एलेक्स ने कहा, पूरे 300। इस पर उसका फ्रेंड जोर जोर से हंसा, 300? अरे मैं हर रोज 5000 फ्लायर्स बांटता हूँ। इन शॉर्ट, हमें से मैक्सिमम लोग हमेशा वो मैजिक फॉर्मूला ढूंढते रहते हैं जिससे जादू हो जाएगा और हम काम को आधे अधूरे मन से करते हैं। 2024 में ऐसी कोई भी ट्रिक या मैजिक फॉर्मूला नहीं है जो किसी और को पता है लेकिन हमें नहीं पता। तो जो मैजिक फॉर्मूला है वो यही है कि हम पूरे मन से एक ही काम पर 100% एनर्जी दें। जब हम क्विट कर रहे होंगे तो बाकी इंसान काम कर रहे होंगे। अमन गोयल, जिनके साथ मैंने अपने पर्सनल चैनल में पॉडकास्ट किया, उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक चैटबॉट बनाने को दिया था, लेकिन जब एक महीने के बाद वो चैटबॉट बना के वहां पर गए तब SBI के ऑफिशियल उन्हें भूल गए थे और कहा कि आप कौन हो, अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। मैक्सिमम लोग उन्हें बुरा भला कह के चले जाते। अमन ने ऐसा नहीं किया, वो अगले 21 दिनों तक लगातार उनके ऑफिस आए और सुबह के 9 बजे से लेकर 5 बजे तक हर रोज वहां पर बैठे रहे और SBI के मेन ऑफिसर्स को घूरते रहे। उन्होंने इसके लिए इतना टाइम स्पेंड किया कि SBI के ऑफिसर्स को उनके साथ मीटिंग रखनी पड़ी और फाइनली उन्हें अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला और इसी कंपनी को उन्होंने 3 साल के बाद 50+ करोड़ में बेच दिया। हमें से मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि हाँ ठीक है, लेकिन हर चीज में भी मेहनत करके पैसे नहीं कमाए जाते, और आप एग्जैक्टली ठीक है। अब मेहनत किस चीज में करनी है, इसके लिए हमें मनी इक्वेशन को समझना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में पैसे की 3 इक्वेशन है और ये इक्वेशन बताती है कि हम फ्यूचर में कितने पैसे कमा पाएंगे। इक्वेशन 1, शो ऑफ मिडिल क्लास यानी साइड वॉकर्स, इनकी इक्वेशन है वेल्थ इज इक्वल टू इनकम प्लस उधार। इन लोगों का पैसों के लिए प्लान ये है कि इनका कोई प्लान है ही नहीं, इनका खर्चा हमेशा इनकी इनकम से थोड़ा ज्यादा ही होता है। उसके लिए उधार लिए जाएंगे, EMI पर नए नए iPhone खरीदे जाएंगे। आपके आसपास जितने भी इस कैटेगरी के लोग होंगे वो इस तरीके की बातें करते हैं, अरे पैसा कौन सा मरने के बाद साथ जाना है, अभी जी लो कल का क्या पता, भाई मैं तो आज के लिए जीता हूँ। नेक्स्ट आता है इक्वेशन 2 और 3 यानी सेविंग मिडिल क्लास वालों की इक्वेशन और एस्पायरिंग रिच मिडिल क्लास लोगों की इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम एक स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा ने अपने 2 भतीजों को बुलाया। इन दोनों भतीजों का नाम अजर और तारिक था। इन दोनों भाइयों को बुलाकर उसने कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए तुम में से ही एक मेरी कुर्सी संभालेगा और राजा बनेगा। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि राजा मैं किसे बनाऊं, इसलिए तुम दोनों के लिए एक टेस्ट है। मैं चाहता हूं कि इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड की तरह तुम दोनों अकेले ही एक एक पिरामिड बनाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 5 साल का टाइम देता हूं। 5 साल बाद मैं तुम दोनों से मिलूंगा और जिसका पिरामिड उस वक्त सबसे बड़ा होगा उसे मैं राजा बनाऊंगा। उस वक्त दोनों अजर और तारिक 18 साल के थे। दोनों खुश हुए और राजा के दरबार से बाहर आ गए। अजर ने उसी वक्त बिना टाइम वेस्ट किए काम करना स्टार्ट कर दिया। कुछ महीनों के बाद उसने बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे करके पिरामिड का बेस बना लिया। पत्थर बहुत भारी थे और अजर बहुत मेहनत कर रहा था और उसकी मेहनत को देख के गाँव के लोगों ने उसकी बहुत तारीफ करी। अपने पिरामिड का बेस तैयार करके अजर तारिक के प्लॉट को देखने के लिए गया कि उसने कितना बड़ा पिरामिड अभी तक बना लिया है, लेकिन तारिक का प्लॉट एकदम खाली था। ये देखकर वो एकदम हैरान हो गया। उसे अपने भाई की चिंता होने लगी। उसे लग रहा था कि तारिक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। अजर तारिक के पास गया और कहा
कि तू बेवकूफ है क्या? तू काम कर क्यों नहीं रहा? तुझे पता है ना कि 5 साल के बाद अगर उस राजा ने देखा कि तूने बिल्कुल भी काम नहीं किया है तो इस बात को वो अपनी बेइज्जती समझेगा और तुझे मरवा देगा। वहां पर तारिक मशीन पर काम कर रहा था जो कुछ ऐसी लग रही थी कि किसी इंसान को मारने के लिए बनाई जा रही हो। उस मशीन को देखकर अजहर बोला, और ये किस बेवकूफ चीज पर तू काम कर रहा है? इस पर तारिक बोला, अरे इसी से तो मैं पिरामिड बनाऊंगा। तू सच में बेवकूफ है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लगता है तूने अपनी किस्मत में मौत ही चुनी है, क्योंकि वो राजा तुझे छोड़ेगा नहीं। अजहर ने पिरामिड का दूसरा माला बनाने के लिए इजिप्ट का सबसे स्ट्रांग आदमी लिया बीनू, और उसकी मदद से उन दोनों ने एक और माला तैयार कर दिया। पहले माले के लिए उनको 4 महीने लगे थे और दूसरे के लिए 10 और महीने। तीसरा माला जब अजहर बनाने लगा तो वो दुखी हो गया, क्योंकि बीनू की मदद से भी उसे एक पत्थर लगाने में 1 महीने के करीब लग रहा था। अजहर को पता चल गया था कि इस हिसाब से तो उसे पिरामिड बनाने में 30 साल लग जाएंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि काफी लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही है। जब वो देखने गया कि लोग इतने खुश क्यों हो रहे हैं तो वो हैरान रह गया। तारिक मशीन में बैठकर पत्थर लगा रहा था। हर एक पत्थर वो उस मशीन की मदद से इतनी आसानी से लगा रहा था कि जैसे वो पत्थर नहीं बल्कि एक गत्ते का बॉक्स हो। एक ही महीने में तारिक ने अजहर जितना पिरामिड बना लिया और अगले 2 महीने में उसने पूरा पिरामिड तैयार कर लिया। अजहर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी और बीनू की डाइट और एक्सरसाइज में बहुत पैसे खर्चे थे ताकि वो दोनों मिलकर अपनी मसल पावर से पत्थर उठा सके। एनीवेज, जब इजिप्ट का राजा दोनों के पिरामिड देखने आया तो वो तारिक से बहुत खुश हुआ और उसे राजा बना दिया। और सिर्फ मेहनत के दम पर कभी भी अजहर उस पिरामिड को तैयार नहीं कर पाया। अब ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन इसमें स्लो लेनर और फास्ट लेनर के बीच का मेन डिफरेंस है। जो सेविंग मिडिल क्लास है यानी स्लो लेनर्स हैं, उनकी इक्वेशन है वेल्थ इज इक्वल टू सैलरी प्लस इन्वेस्टमेंट। स्लो लेनर को ये बताया गया होता है कि देखो, अगर तुम 1 पैसे से स्टार्ट करते हो, एक रुपया भी नहीं बल्कि उसका 100वां हिस्सा, यानी 1 पैसे से स्टार्ट करो और हर रोज उसे डबल करते जाओ तो 30वें दिन तुम्हारे पास 53,68,709 रुपए और 12 पैसे होंगे। क्योंकि पहले दिन 1 पैसा, दूसरे दिन 2 पैसा, तीसरे दिन 4 पैसा, 8वें दिन 1 रुपया और 28 पैसा, एंड सो ऑन। और ये कैलकुलेशन एकदम ठीक है क्योंकि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। लेकिन ऑथर कहते हैं ठीक है, एक दिन में तो हम पैसे डबल नहीं कर सकते और वैसे तो एक साल में भी नहीं कर सकते, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि 21 साल से हम पैसे को डबल कर रहे हैं और इस हिसाब से जब हम 50 साल के होंगे तो हमारे पास करीबन 53 लाख रुपए होंगे, और तब तक हम उस लैम्बोर्गिनी वाले बूढ़े इंसान की तरह होंगे जो खुद पर ही हंस रहा होगा। तो क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे शुरू के 30 सालों को बाईपास किया जा सके और सीधा इस 50 साल वाले अमाउंट से स्टार्ट करें या उससे ज्यादा वाले अमाउंट से। और यही कॉन्सेप्ट फास्ट लेन वाला कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि जल्दी वेल्थ बनाना पॉसिबल है। क्योंकि एमजे डिमार्को, जो कि अनस्क्रिप्टेड और फास्ट लेन मिलियनेयर के ऑथर हैं, उन्होंने खुद ये वेल्थ बनाई थी 6-7 सालों में। और इसे समझने के लिए हमें फास्ट लेन की 2 इक्वेशन को समझना पड़ेगा। पहले हम इस इक्वेशन को समझते हैं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू यूनिट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट में रोज 12,000 लोग आ रहे हैं और 1% लोग आपसे कोई सामान खरीदते हैं तो 1% ऑफ 12,000 हुआ 120 लोग, और लेट्स से एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप 100 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं तो आपका रोज का प्रॉफिट हो गया 12,000 रुपए। अब अमीर लोग बहुत अच्छे से अपने प्रॉफिट इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बार ऑथर ने अपनी वेबसाइट के प्लान स्क्रीन में अपने हैप्पी कस्टमर के रिव्यूज डाल दिए, यानी जो लोग इनके प्रोडक्ट से खुश थे जिनसे इनकी कन्वर्जन 1% के बजाय 1.5% हो गई। यानी अगर पहले 1% के हिसाब से 12,000 लोगों में से 120 लोग इनसे प्रोडक्ट ले रहे थे तो 1.5% ऑफ 12,000 हुआ 180 लोग, यानी दिन के 18,000 रुपए, जिसका मतलब है कि 18,000 - 12,000 विच इज इक्वल टू 6,000 रुपीज ये एक्स्ट्रा कमाने लग गए बिना किसी एफर्ट के। और ये चीज स्लो लेन में पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई भी सैलरी में इंक्रीमेंट वैल्यू पर डे हमें 6,000 रुपए तक एक्स्ट्रा दे पाए। फास्ट लेन की दूसरी इक्वेशन है एसेट वैल्यू इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू इंडस्ट्री मल्टीपल। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि अगर आपकी कंपनी साल का 1 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है तो उस पूरे बिजनेस को हम 3 से 14 करोड़ रुपए के बीच में बेच सकते हैं। देखिए, ये चार्ट दिखाता है कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर हम अपने बिजनेस को बेचते हैं तो हमें कितना अमाउंट मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एडवर्टाइजिंग बिजनेस है तो 2.85 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है। कोई मेडिकल इक्विपमेंट वाला बिजनेस है तो 17 गुना तक, यानी अगर साल का 1 करोड़ प्रॉफिट है तो 17 करोड़ तक मिल सकता है। अभी 100% ट्रू नंबर नहीं है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट आइडिया हमें दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने पर्सनल चैनल हेमंत पंत में अमन गोयल का पॉडकास्ट लिया था तो वो ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास एक साल में अर्न कर रहे थे, और उनका स्टार्टअप अप्रोक्सीमेटली इसके 8 गुना यानी 56 करोड़ के आसपास बिका, और तब ये सिर्फ 26 साल के थे। इन शॉर्ट, ये फास्ट लेन में थे और इनकी इक्वेशन एक मिडिल क्लास इक्वेशन वालों से अलग थी। अब सवाल आता है कि फास्ट लेन में हम बिजनेस खोलें तो उसमें हमें देखना क्या है।
तो ऑथर के अकॉर्डिंग हमें टोटल 5 चीजें देखनी है जिसे हम नेस्ट एक्रोनिम से समझ सकते हैं, जहाँ पे एन का मतलब है नीड। देखिए, दर्शन पटेल जब बहुत से मिडिल क्लास लोगों से बात कर रहे थे कि वो कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं, उन्हें कौन सी खुशबू पसंद आती है, उन्हें क्या दिक्कत होती है परफ्यूम यूज करने में, तो बहुत से लोगों ने उन्हें बोला कि परफ्यूम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और दर्शन पटेल सर को कस्टमर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग नीड का पता चला कि खुशबू से ज्यादा उन्हें ये चाहिए कि परफ्यूम ज्यादा दिनों तक चले। सिर्फ इस नीड के बेसिस पर उन्होंने अपना मार्केटिंग एंगल चेंज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फॉग ज्यादा चलता है। इस एड में भी हम देख सकते हैं कि वो ये दिखाते हैं कि सब उड़ गया, बस आपका परफ्यूम रह गया। अब जो हम एड देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। तो ये एड उन्होंने बहुत बाद में स्टार्ट करी थी, वो भी ब्रांड रिकॉल करवाने के लिए, और ये हुआ था जब ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका था। और ब्रांड एस्टैब्लिश हुआ था ये बताकर कि फॉग ज्यादा दिनों तक चलता है, ये बिना गैस वाला परफ्यूम है। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से जो फॉरेन का ब्रांड था एक्स, उसे इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि मेजॉरिटी मार्केट शेयर फॉग के पास आ गया। नेक्स्ट में ई आता है एंट्री। ये पॉइंट कहता है कि हमारे बिजनेस में कुछ तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होनी चाहिए, उसे कॉपी करना इतना भी आसान नहीं होना चाहिए कि फेसबुक में 1000 रुपए की एड लगाई और आपका टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट हो गया। और इसका एक बहुत ही अच्छा चेक है ये पता करने के लिए कि हमारे बिजनेस में एंट्री बैरियर है या नहीं, और वो चेक है कि हमारा बिजनेस इवेंट है या प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बिजनेस में बस एक किट या फिर कोई MLM का प्रोग्राम खरीद के आगे हैं, तो ये इवेंट है, यानी एक बार हुआ है। और इन टाइप ऑफ बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर है ही नहीं, हमारा कोई भी दोस्त एक और किट खरीद के सेम बिजनेस खोल सकता है। इन शॉर्ट, अच्छे बिजनेस बनते हैं एक लंबे प्रोसेस से। नेक्स्ट में सी आता है कंट्रोल। एक बार ब्रायन चेस्की न्यूयॉर्क गए थे, लेकिन वहां पर रहने के लिए उन्हें कोई जगह ही नहीं मिली। एक्चुअली उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चले थे और बराक ओबामा स्पीच देने के लिए आ रहे थे, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क के सारे होटल बुक थे, तो वो अपने दोस्त के घर चले गए। उनके दोस्त के पास कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं था, इसलिए उसने ब्रायन को एक हवा वाला बेड दे दिया और साथ में ब्रेकफास्ट, यानी एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। ब्रायन और उनके फाउंडर को लगा कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत से लोगों को हो सकती है, क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है कि लोग अपने घर को औरों को किराए में दे दें, एक होटल की तरह। इस पर घर के ओनर को पैसे मिल जाएंगे, रहने वाले को एक जगह और हमें एक कमीशन। इस आइडिया पर ब्रायन ने एक प्रोडक्ट बनाया, Airbnb, यानी एयर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, जो दुनिया की अभी 155th सबसे बड़ी कंपनी है। अब इसमें मजे का कॉन्सेप्ट है कंट्रोल। ब्रायन जब न्यूयॉर्क में अपने दोस्त के पास रुके थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपने घर को भी रेंट में दे दूं। उन्होंने पूरी की पूरे प्लेटफॉर्म को कंट्रोल ही कर लिया, उन्होंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। इन शॉर्ट, जो बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं वो MLM कंपनीज खोलते हैं, ना कि उन्हें ज्वाइन करते हैं। वो फ्रेंचाइजी बेचते हैं, ना कि उन्हें खरीदते हैं। वो एफिलिएट प्रोग्राम बनाते हैं, ना कि उन्हें ज्वाइन करते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। नेक्स्ट एस से आता है स्केल। एलेक्स हारमोजी पहले खुद का जिम चलाते थे, जिससे वो महीने के 1 लाख रुपए के आसपास कमाते थे। फिर उन्होंने 6 जिम खोले, यानी 6 लाख पर मंथ, लेकिन फिर अचानक से वो 1 करोड़ पर मंथ अर्न करने लगे। ये देखकर उनके डैड हैरान हो गए और उन्हें लगा कि उनका बेटा जरूर स्कैम कर रहा है। उन्होंने एलेक्स को फोन किया और कहा, तुम इतने पैसे कैसे कमा रहे हो? इस पर एलेक्स ने कहा कि मैं बाकी जिम के मालिकों से 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, उन्हें सिखाने के लिए कि वो कैसे अपने जिम में ज्यादा क्लाइंट ला सकते हैं। इस पर एलेक्स के डैड ने कहा कि कोई तुम्हें 1 लाख रुपए क्यों देगा, क्या ये सब लोग पागल हैं? इस पर एलेक्स ने कहा, डैड, अगर मैं आपको ऑफर दूं कि मैं 3 महीने में आपका बिजनेस डबल कर सकता हूँ, यानी आपका बिजनेस जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है उसे 2 लाख पर मंथ कर सकता हूँ, तो क्या आप मुझे एक बार 1 लाख रुपए दोगे? इस पर उनके डैड ने कहा, हाँ दे दूंगा, लेकिन सच में मुझे कोई ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो खुद पहले इस चीज को कर चुका हो। इस पर एलेक्स ने कहा, हाँ डैड, मैंने अपने 6 जिम का बिजनेस डबल किया है। इन शॉर्ट, इससे हमारी लर्निंग ये है कि एलेक्स खुद 1 लाख से 1 करोड़ तब पहुंचा जब वो ज्यादा लोगों को सर्व कर पा रहा था, यानी स्केल अचीव कर पाया। और ये एक तरीका है फास्ट लेन की इक्वेशन में आने का। नेक्स्ट टी से आता है टाइम। रिसेंटली मैंने एस्ट्रोटॉक ऐप के फाउंडर पुनीत गुप्ता के साथ पॉडकास्ट लिया, जो अपनी एप्लीकेशन से रोज ऑलमोस्ट 1 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं और इनकी एज अभी 30s में है। इन्होंने 2 साल पहले कुणाल शाह से 6 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ली थी, 1% अपनी कंपनी देकर, जबकि इनकी कंपनी प्रॉफिटेबल थी। जब मैंने इनसे पूछा कि आप तो प्रॉफिटेबल थे और आपको कोई 6 करोड़ की जरूरत भी नहीं थी, तो फिर आपने इन्वेस्टमेंट क्यों ली? इस पर इन्होंने कहा कि देखो, कुणाल शाह जो है वो मेरे से बिजनेस की गेम में बहुत आगे है, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की जो मैंने नहीं की, तो जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ, या फिर अगर किसी और स्मार्ट आदमी से मुझे कनेक्ट करना है तो ये मुझे उनके साथ कनेक्ट करवा लेते हैं। इन शॉर्ट, मेरा ओवरऑल लाइफ में टाइम बच जाता है, और हमारे पास जीने के लिए यार टाइम होता ही कितना है। और यही बात जब मैंने अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस करी, तो उन्होंने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। इवन मैंने उनको बहुत समझाया कि दुनिया में हमारे पास टाइम लिमिटेड है, लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं हुए। और मिडिल क्लास में भी टाइम का कॉन्सेप्ट हर किसी को जल्दी समझ नहीं आता है कि हमारी मौत की घड़ी हमेशा यार टिक टिक कर रही है।
ओके, तो आई नो हमें से बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगी कि यार ये क्या चल रहा है, हम इंडेक्स फंड वगैरह में जो पैसे इन्वेस्ट करते थे क्या वो इन्वेस्ट ही ना करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर बुक में तो इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया गया है। तो ऐसा नहीं है, हम स्लो लेन और फास्ट लेन में दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं स्लो लेन की जो स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई करता हूं। मैं हर मंथ ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन साथ में मैं एस्पायर कर रहा हूं फास्ट लेन की स्ट्रेटेजीज को, यानी कम टाइम में हम ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सके। तो हम दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं, स्लो लेन भी और फास्ट लेन भी। स्लो लेन में इसीलिए है कि वो हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, और फास्ट लेन एक बिग शॉट है, क्योंकि जो फास्ट लेन है वो इतनी भी फास्ट नहीं है, उसमें भी कम से कम 5 से 10 साल का टाइम लग जाता है। तो आई होप अगर कोई कंफ्यूजन है वो क्लियर होगी होगी, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।